पिछले 6-7 महीनों में कई फोन लॉन्च हो चुके हैं और आने वाले 5-6 महीनों में भी होते रहेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं अगस्त की, जिसमें कुछ एक फोन लॉन्च हो चुके हैं और कुछ एक होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा अगस्त में लॉन्च होने वाले फोन और उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो लेट्स रोल अप द इंट्रो। जो हमारी लिस्ट का पहला फोन है वो है पोको फोन F1, जो आ रहा है Xiaomi की तरफ से एज अ फ्लैगशिप लेवल वाला फोन। यह आएगा टॉप नॉच स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ में, सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ 5.0 को, और ऑब्वियसली यह आता है डुअल कैमरा सेटअप के साथ में, जिसमें है प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, और इसमें प्राइमरी कैमरा का पिक्सल साइज है 1.4 माइक्रोन, जो आ जाता है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ में, और फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का, जो आता है सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में, जिससे कि आपकी पिक्चर में नॉइज बिल्कुल ही कम आता है। साथ ही आपको मिल जाता है IR फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, वही आईफोन X वाला, जिससे कि आपका फोन कर पाएगा 3D फेस रिकॉग्निशन बड़ी ही आसानी से इंफ्रारेड वेव्स की मदद से। पोको फोन का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको IR फेस रिकॉग्निशन के साथ में मिल जाता है AI सिस्टम भी, जिससे ये थोड़ा रिकॉग्निशन थोड़ा और एनहेंस हो जाता है। बाकी आपको इसमें नॉच मिल जाएगा, 5.99 इंच की FHD+ डिस्प्ले मिल जाएगा, 6GB RAM और 128GB ROM के साथ में आपको ये मिल जाएगा। ऐसी खबरें आए हैं कि ये फोन लॉन्च होने वाला है अगस्त में, और एक डेट जो मैंने कहीं ना कहीं से पता कर ली है वो है 22 अगस्त। गाइस, जो अगला फोन हमारे लिस्ट में वो है मोटो वन पावर, जो आ जाता है सीधा मोटोरोला की तरफ से 2.2 इंच के फुल एच पिक्सल डिस्प्ले के साथ में, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 का, जिसमें आ जाते हैं 407 पिक्सल पर इंच इंटेंसिटी, साथ में एक नॉच भी। गाइस, ये काम करने वाला है एंड्रॉइड 1 पे, और इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर, जो आ जाता है ऑक्टा कोर 1.8 GHz प्रोसेसर के साथ में। गाइस, कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है वही डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है 12 मेगापिक्सल वाला, जिसका अपर्चर है F1.8 का, और जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग कैमरा है उसका अपर्चर है F2.0, जो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल वाला उसका अपर्चर है F1.9। गाइस, बैटरी आपको इसमें थोड़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी, जो 4850 mAh वाली। जो अगला फोन हमारे देश में है वो Lenovo Z5, जिसके एक बार पहले हवाएं उड़ी थी ना कि 4GB की रोम आएगी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सा मिड रेंज फोन है, जो किया जाता है 6.2 इंच के डिस्प्ले के साथ में, इसका एस्पेक्ट रेशियो बड़ा ही अजीब सा 18:7:9 का, और 402 पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी के साथ में। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 8.1 ओरियो, और इसके साथ आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर, जो कि एक ठीक ठाक का प्रोसेसर है, जो कि आता है ऑक्टा कोर 1.8 GHz के प्रोसेसर के साथ में। दोस्तों, कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको वही मिल जाता है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। प्राइमरी कैमरा का अपर्चर है F2.0, और जो सेकेंडरी कैमरा है उसका भी है 2.0, फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, उसका भी अपर्चर है F2.0। ये आ जाता है 6GB RAM और 64GB या फिर 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और बैटरी होने वाली है इसकी 3300 mAh की। जो अगला फोन हमारे लिस्ट में है वो है नोकिया X6, ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसकी घुसूंगा नहीं, बस आपको ये बताता हूँ उसमें भी वही आपको मिल जाएगा नॉच, वही 6 इंच की डिस्प्ले, वही डुअल कैमरा सेटअप, और इसकी लॉन्च डेट हो सकती है 20th September। जो अगला फोन हमारे लिस्ट में है वो कोई टॉप नॉच स्मार्टफोन नहीं है, वो है बस एक 40K पैड वाला छोटा सा फ़ोन, जिसे आप बाय कर पाएंगे 15 अगस्त से, का नाम है JioPhone 2। जी हाँ, JioPhone 1 का सक्सेसर, जो कि 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइस होगी करीब 3000 रुपये, और ये आ जाएगा 512 MB RAM के साथ में, और इंटरनल स्टोरेज इसकी होगी 4GB। ये सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, पर इस फोन के लिए मोर देन इनफ है। आप इसकी स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा के। कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 3.2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा। मुझे लगता है फोटोज क्लिक करने के लिए बहुत कम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। यह आ जाता है काय ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, बैटरी इसकी है 2000 mAh की, जो काफ़ी रहेगी शायद 3-4 दिन तक। बाकी इसमें आप वही व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ यूज़ कर पाएंगे बाकी फ़ोन की तरह, और इसमें लगेगा सिर्फ जियो का सिम। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चल पाए कौन कौन से फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं अगस्त में। अगर किसी का लेने का मूड हो तो इनमें से कोई प्रेफर कर सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।